तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा दसवीं कार्य पत्र का 8 विषय संस्कृतम। चैप्टर का नाम है जननी तुल्यवत्सला 1। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। तो पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है और डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कश्चित कृषका वलीभाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्न आसीत। ठीक है, तो जैसे हिंदी नीचे लिखी हुई, हिंदी अनुवाद देख रहे हो, लिखे कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तो आप क्या करना, वर्कशीट को आप पढ़ लेना सही से। पढ़ने के बाद में शब्दार्थ दिए, शब्दार्थ भी याद कर लेना ताकि हिंदी समझ में आ जाए। हिंदी समझ में आ जाएगी तो इसकी हिंदी निकालने में आसानी रहेगी और संस्कृत बनाने में भी आसानी रहेगी। और नीचे इनके अनुवाद हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी पैराग्राफ को पढ़ लोगे, समझ लोगे, समझने के बाद में नीचे इनके आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ है, शब्दार्थ है, साथ में नीचे इनके आंसर है, यानी हिंदी अनुवाद। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। तो अभ्यास प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, एक पदेन में दो क्वेश्चन है। पहला है क्षेत्र कर्षणम कह करोति अस्म, सेकंड है का दुर्बल आसीत। फिर पूर्ण वाक्यन में भी दो है। पहला है कुद्ध कृषि वाला किम अकरोत, सेकंड है सुराधिपा सुरभि किम अपृच्छत। थर्ड क्वेश्चन यदा निर्देशम उत्तरत में तीन क्वेश्चन है। पहला कह रहा है इंद्र इतस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द। दूसरा पपात इति क्रिया पदस्य कर्तपदम किमस्ति, इसमें पपात में कर्तपद लिखना है। थर्ड है अहम सोचामि इत्रस आम इम सर्वनाम पदम स्थाने संज्ञा पदम लिखकर संज्ञा लिखना है। तो अभ्यास प्रश्न में फर्स्ट में दो, सेकंड में दो, थर्ड में तीन है। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन आप देख लेना, आंसर यहाँ से लिख लो। ठीक है, एक पदयन का पहले का आंसर है कृषक, सेकंड का आंसर है एक बलिवर्दह। एक पदयन में दो क्वेश्चन थे, आंसर वन आंसर टू लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ से नोट कीजिए, फर्स्ट का आंसर कृषक, सेकंड का आंसर एक बलिवर्दह। अब पूर्ण वाक्यन में पहले का आंसर है क्रुद्ध कृषि वला तमुत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत। ठीक है, और सेकंड का आंसर है सुराधिपा ताम्रपिच्छत आई सुभे किम एव रोदसी उच्चायताम उच्यताम इति। ठीक है, तो सेकंड के दो आंसर ही हो जाएंगे। थर्ड में यदा निर्देशम उत्तरत में फर्स्ट का आंसर सुराधिपा, सेकंड का वृषभा, थर्ड का सुरभि। क्लियर है, थर्ड में फर्स्ट का सुराधिपा, सेकंड का वृषभा, थर्ड में सुरभि। तो यहाँ से आप वर्कशीट लिखिए, वर्कशीट लिखने के बाद में सारे आंसर यहाँ से नोट कीजिए। इसी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगी संस्कृत की। अगर आपने वर्कशीट 5, 6, 7 नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट लिंक ओपन करके वहाँ से 5, 6, 7 भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।